बेजुबान गाय की जिंदगी के साथ किया गया खिलवाड़। बेजुबान गाय ने तड़प तड़प कर तोड़ा दम। एक ओर जहां योगी सरकार अन्ना मवेशियों जानवरों की सुरक्षा की बात करती है, वहीं पर बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने नजर आई। 11,000 वोल्टेज से गाय को करंट लगने से आधा घंटे तक गाय तड़पती रही। इसी बीच चारवाहा बिजली घर रेवना को चार बार दौड़ दौड़ कर सूचित किया, पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके तुरंत बाद पुलिस चौकी रेवना को भी अवगत कराया, जिस पर पुलिस चौकी रेवना ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर इस बेजुबान गाय की मौत का जिम्मेदार कौन? आपको बता दें, मामला है जनपद कानपुर नगर के तहसील घाटमपुर क्षेत्र के कस्बा रेवना का। क्या नाम है आपका? कृष्ण प्रकाश त्रिपाठी। ये बताइए, ये जो घटना हो रही है, गाय खत्म हुई है, कैसे क्या हुई? इसमें सर ऐसा किया था, 11,000 लाइन छोड़ दी गई थी गांव में, मामूली तार है 300-400 वोल्ट आता है, इसमें 11,000 की लाइन छोड़ दी गई थी। उसके बाद यहाँ पे पार्किंग हुई, जब इस पार्किंग हुई तो टीन सेट रखा था, टीन सेट के ऊपर तार जल कर गिरे। मैं कम से कम 3-4 चक्कर गया पावर हाउस, गाँव में पावर हाउस बना है, वहाँ गया तो वहाँ सब कर्मचारी जो पावर हाउस के थे नशे में मस्त थे, दारू पी रहे थे बैठ के। मैं 2-3 बार चौकी भी गया, चौकी गया तो वहाँ से बोल दिया गया जाओ वहीं देखो जाके। 40 मिनट तक कम से कम गाय जलती रही टीन सेट के नीचे, पाइप में, पाइप के संपर्क में आने से पूरा गाय का चेहरा जल गया और 40 मिनट बाद गाय ने दम तोड़ दिया। गाय के पेट में बच्चा भी था, करीब 5 से 6 महीने का। ना कोई चौकी से आया और ना कोई पावर हाउस से आया। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब को हमने जरिए दूरभाष संपर्क किया घाटम को, इंस्पेक्टर साहब ने जाके चौकी में फिर फ़ोन किया कि चले जाओ मौके पे देखो कैसा क्या हुआ है, लेकिन कोई मौके पे नहीं आया, ना कुछ हुआ ना वहाँ से कोई आया। जेई ने फ़ोन किया, जेई ने बताया कि ऐसा आया, तुम एसओ को फ़ोन कर रहे हो बार बार और तुमको पैसा दिला देंगे, सुबह आके पैसा दे देंगे, गाय को मर जाने दो। उसके बाद बोले सुबह आ जाएंगे, सुबह कोई नहीं आया, 12 बजने जा रहा है, 2 दिन हो गए गाय पड़े चढ़ रही।